मारा ये जोड़ा कान मे और परेशान है, मच्छर खावा रात ने और बाकी आगे कर गंदो पानी कुइयां को गंदो पानी आवे पानी है और मच्छर है मारे देखी तक कोनी बांस आवे पेड़ पौधा सूख गया कोई मारे तो घर को हाल कोनी मारे एक तो वो बेटा कैंसर का मरीज मारे सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे बीमार रहते गांव मारे ये जोड़ा कान मे और परेशान है, मच्छर खावा रात ने और बाकी आगे कर गंदो पानी कुइयां को गंदो पानी आवे और रोटी कौन खाई जा बैठ के ना सोई जावे और मैं इतना साल हो गया परेशान हो रहा, सारा गली का परेशान हो रहा है और मैं बाकी अगर अभी इनको कोई समझदार ना तो सरपंच सुने ना कोई मम्मर सुना कोई भी कौन सुना है, मंत्री कौन सुना है, कोई मंत्री सुना है कोई कोई भी कौन सुना है और मैं हो रहा दाप के परेशान और इनको कोई समझदार करो है और बाकी मैं बहुत दुखी हो रहा ना तो गर्मियों में मच्छर खावे माने बदबू आवे गंदी है और डंगर माख पड़ जाओ तो बाकी अगर मर जावे जब कोई बच्चों पड़ जाओ तो वो कौन निकले कदम है कहीं खूब जाकर है मैं वो बुढ़े सारा मैं भी पढ़ सका कोई और भी पढ़ सका देरा में है मैं हो रहा परेशान अरे इनको कोई समाधान करो हर पांच साल बाद सरपंच बदला सरपंच हर साल की बदला तो कोई भी कौन मारी सुने है वोट ले जावे और कोई सुना कोई भी कौन मारी अब देखो जी मारी कोई समाधान करो इन जोड़ा को गंदो पानी है और मच्छर है बारे देखी तक कोनी बांस आवे पेड़ पौधा सूख गया कोई मारे तो घर को हाल कोनी नहीं बहुत को दुआ लेट है के बतावा अब ये पानी ने को खत्म करना चाहे मोले के सारा ने समझ के करा सारा मोला परेशान हो रही है के करा अब अब को तो पानी आवे कोई कई और बहुत को तो काम हो रही है। पहली बात तो मैं आप मीडिया को बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे गाँव में आज पहुंचे है। दूसरी बधाई मैं हमारे जीवन देवी सरपंच को और सरकार को देना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ बीमारी का घर छोड़ा है। ये कुआ लगा रही थी जीवन देवी, मैंने पहले बात भी करी थी भाई इसकी निकासी दो, वो कहते पाइप लाइन डाल देंगे गंदे पानी की निकासी नारी देंगे। मैं ये कुआ कहते बरसाती पानी के लिए है, मैं चलो अच्छी बात है, ये बिल्कुल गंदे पानी के लिए कुआ लगाया। उसके बाद पूछा ये इसमें नालियाँ बना दी गंदे पानी में, गंदा पानी ज़मीन में जाता है और हमारे को पीने में बहुत दिक्कत आती है क्यों हमारे पास में दो कर्मा बॉर्डर बक्स है। ये सारे जीवन देवी ने काम करवाए हैं और इसके उचित कार्रवाई करी जावे और हमारे को इसकी पानी की निकासी दी जावे, कोई अच्छा समाधान मिल जाए, पाइप डाले जा कोई भी सिवर डाले हमारे को, वही हमारी प्रार्थना है पूरे गाँव की। पूरा गाँव इसमें तंग है, हमारे एक तो वो बेटा कैंसर का मरीज हमारे सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे बीमार रहते हैं, गांव के बच्चे बीमार, किसी के पेट में दर्द रहता है, किसी को तो कैंसर है पानी से जड़ा गंदे पानी से। ठीक है बरसाती पानी आओ हमारे कोई दुख नहीं, गंदा पानी ना कुएं में डालने देंगे या ना यहाँ डालने देंगे, नुकसान है हम लेने को तो छोटा वो तो लोएगी है वो तो सरकार जाने मारी थे सुनो लेना मारे ही समस्या का हल समाधान लिखना चाहिए। मैं तो ना तो गंदो पानी कुएं में जान देवा बरसाती पानी कतर हो कुआ बिल्कुल मानने तो घने कह इं कर दे अभी इं कर दे कोई को नहीं सुने